नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की इस खबर में दो खबर एक साथ है। एक खबर है उस ऐतिहासिक पल की जो आज सामने आया, वहीं दूसरी खबर भी कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक पलों की है। तो पहली खबर, आज जो दिन भर चर्चा में थी, नोएडा की ट्विन टावर को गिराया गया, उसको लेकर। नोएडा अंतर्गत ट्विन टावर जो आज दिन भर चर्चा में था, 32 मंजिला इमारत, उसको ढहाया गया। दरअसल ये ट्विन टावर जो है, इसको बनाने में अनियमितताएं थी, ऐसा आरोप लगाया गया, जिसके बाद में लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इल्लीगल साबित किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज तोड़क कार्यवाही हुई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इस बिल्डिंग को सिर्फ 9 सेकंड में ताश के महल की तरह ढहा दिया गया। इस बिल्डिंग को ढहाने में 3500 किलो विस्फोटक एक्सप्लोजन लगाया गया और दोपहर के 2:30 बजे एक बटन दबाते ही ये बिल्डिंग ताश के महल में तब्दील हो गई। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए नोएडा के प्रशासन ने काफी दिनों से तैयारियां की थी और आज आखिरकार बिल्डिंग गिरा दी गई। ये बिल्डिंग गिराई गई, लेकिन इसके साथ कई लोगों का घमंड भी चकनाचूर हुआ। जो लोग ये सोचते थे कि हम अवैध बांध काम करके या अवैध काम करके, अवैध कारोबार करके निकल जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं बड़ा सबक इन बिल्डिंग के गिरने से लगा है। एक अनुमान ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 800 करोड़ की ये पूरी प्रॉपर्टी थी जो आज मिट्टी में मिल चुकी है। यही हाल जो नोएडा का है, कुछ ऐसा ही हाल वसई विरार का है। तो सवाल यह है कि क्या वसई विरार महानगर पालिका भी अवैध बांध काम के ऊपर डंडा चलाएगी? कई जगह पर हाईकोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं, कहीं जगह पर खुद वसई विरार महानगर पालिका ने एफिडेविट फाइल किए हुए हैं। तो अब देखना यह है कि इस आज के मामले को आइडियल मानकर वसई विरार महानगर पालिका अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर पाएगी। अब बात करते हैं खबर दूसरी खबर की। तो दूसरी खबर एक सुखद खबर है जो कि भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई है। भारतीय रेलवे दिन ब दिन तरक्की के राह पर चल रही है, इसका नमूना आप वीडियो में चल रहे वीडियो से देख सकते हैं। इसमें एक ट्रेन है, वो 180 की स्पीड से दौड़ रही है। यह भी ट्रायल चल रहा है वंदे भारत 2 का। वंदे भारत 2 जो है, उसका ट्रायल है और ये 180 की स्पीड पर सफल ट्रायल हो चुका है। आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से 180 की स्पीड पर भी ट्रेन में रखा पानी का गिलास में से पानी नहीं छलकता। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की रेलवे समय सफलताओं को छू रही है, ये काफी बेहद खुशी की बात है। तो आज की खबर आपको कैसी लगी, कमेंट में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।